यह वीडियो देखने के बाद यदि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में घन का क्वेश्चन आया तो आप प्रश्न देखते ही उत्तर बताओगे। जी हाँ, ये आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर समझ जाएंगे। बस आपको तीन छोटे छोटे फार्मूले याद रखने होंगे। घन का आयतन का फार्मूला होता है ए क्यूब मतलब भुजा या कोर की घाते 3। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6a² और विकर्ण d का फार्मूला होता है √3a। यदि आप ये तीन फार्मूले याद करते हो तो सारे क्वेश्चन आप जल्दी से कर लेंगे, प्रश्न देखते ही उत्तर बताएंगे। देखो मैं ऐसा करवा भी रहा हूँ। एक घन का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है, उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न ही लिखा है तो देखिए आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है तो आयतन का फार्मूला a³ = 27। तो a³ = 27 मतलब कि क्यूब उधर जाएगा तो इसका घनमूल बनेगा और 27 का घनमूल कितना आता है, 3 आता है। और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है तो 6a² a की वैल्यू 3 आई तो 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9 और 9 × 6 कितना 54 इसका उत्तर। इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। साल भी किया गया है, वी मतलब आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, वी की जगह 1 क्यूब रख दिया, 27 की जगह 3 का क्यूब कर दिया, 3 की जगह 3 तो ये बराबर भी 3 सेंटीमीटर। अब आपको ये पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो यस बराबर 6a² तो यस बराबर 6 अपनी जगह, ए की वैल्यू 3 रख दिया गया, 3 का स्क्वायर आपका 9, 9 × 6 कितना हो जाएगा 54। आई होप कि आपने पहला वाला क्वेश्चन समझ लिया। चलिए अब दूसरा वाला प्रश्न देखते हैं। एक घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है तो यस बराबर क्वेश्चन मार्क मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क, तो डी बराबर 6√3 सेंटीमीटर है और डी का फार्मूला है √3a। तो √3a इज इक्वल टू जो यहाँ पर लिखा हुआ लिखा ही रहेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, a बराबर कितना आया 6। तो यदि a बराबर 6 आया तो यस का फार्मूला क्या है 6a² तो a की जगह 6 रखोगे, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 6 का गुणा करेंगे 216। देखिए कितना जल्दी हो रहा है। अब देखिए तीसरा प्रश्न हम अभी तीसरा और चौथा बाद में देखेंगे, हम पहले पांचवा और छठवां देख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास पांचवा प्रश्न बहुत अच्छा है, ये अनुपात पर आधारित प्रश्न बनते ही बनते हैं इसलिए ध्यान दीजिएगा। दो घनों के आयतनों में 8 अनुपात 27 का अनुपात है, उसकी कोरों में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात देखिए आयतनों में 27 अनुपात 8 का है इसलिए b₁/b₂ = 8/27, हम 27/8 बोल रहे हैं, 8/27 ध्यान दीजिए। अब यहाँ b₁ मतलब पहले घन का आयतन तो a₁³ हो जाएगा, b₂ मतलब दूसरे घन का आयतन तो a₂³ हो जाएगा, 8 का मतलब 2 की घाते 3, 27 का मतलब 3 की घाते 3। तो भैया ये जो है यहाँ पर ये यहाँ पर a₁ की जगह 2 दिख रहा है, देखिए इसको दोनों पर क्यूब है, पहले हम यहाँ होल क्यूब कर लेते हैं, इधर भी होल क्यूब तो क्यूब की जगह क्यूब, तो a₁/a₂ = 2/3 अर्थात a₁/a₂ = आपका 2/3। a₁ a₂ क्या है कोर, तो कोरों में अनुपात कितना आया 2/3। और यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, आयतन का अनुपात दिया जाए और कोर का अनुपात पूछे तो कुछ भी नहीं करना है, इसका क्यूब निकालो कितना आया 2 और इसका क्यूब निकालो कितना आया 3, हो गया ये। और ध्यान दीजिए कोर का अनुपात दिया जाए, आयतन का पूछे तो इसका क्यूब कर दो 8, इसका क्यूब कर दो 27, कितना सिंपल है। चलिए नेक्स्ट वाला, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो d बराबर घन का विकर्ण वाला फार्मूला होता है √3/a, तो √3 अपनी जगह पर है, a की वैल्यू कितनी है 6, तो ये तो आपका देखते ही उत्तर आ गया। तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में। चलिए अब आपका जो दो प्रश्न छोड़ा है उसको भी बता देते, पहले चौथा फिर तीसरा। देखिए एक घन के कोर में 20% एक घन की कोर 20% बढ़ा दी जाती है, घन का आयतन कितना बढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 20% बढ़ा दिया जाता, तो आप कहेंगे कि यहाँ 100 सेंटीमीटर काहे ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, हमने पहला घन का जो कोर है वो 100 सेंटीमीटर मान लिया, आप मान लिया करें परसेंट में दिया जाए तो, ठीक है, ना भी मानेंगे तब भी आंसर आएगा, तो इससे आसान हो जाता है। तो घन का कोर हमने 100 सेंटीमीटर मान लिया, 20% बढ़ा दिया गया, इसका मतलब 20 बढ़ जाएगा, तो a₂ मतलब जो बढ़ने के बाद जो कोर होगी वो कितना हो जाएगा 120। तो ये ध्यान दीजिएगा प्रारंभिक कोर 100 और बढ़ने के बाद कोर जो है 120 हो गया, तो प्रारंभिक आयतन जब कोर 100 था तो इसका आयतन का मतलब कोर का क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब करेंगे तो ये आपका यहाँ पर 2, 2, 4, 2, 6, 0 वाला मतलब 1,00,000 आ जाएगा। और उसका b₂ मतलब इसका इसको क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब करेंगे तो कुल आपका ये आएगा 1,72,000 सॉरी 17,00,000
28,000 ही आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो आप देखिए, जब भी आपको मतलब कि प्रतिशत वृद्धि आपको ज्ञात करना, जैसे आयतन में, तो आप देखिए आयतन कितना बढ़ा, तो देखिए आयतन की बढ़ोतरी ज्ञात करने के लिए अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन कर लीजिए, तो 17,28,000 में से यदि आप 10 लाख घटाएंगे, 10 लाख है तो आपका कितना बचेगा, 7,28,000 बचेगा। तो आयतन में वृद्धि इतनी हुई। और कभी भी प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना हो तो आप ध्यान दीजिए, आपका जो 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 राशि है उसमें वृद्धि ऊपर रख दीजिए और उस राशि का प्रारंभिक मान नीचे रख दीजिए और गुणते सौ कर दीजिए। तो देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 728, नीचे आपका 10 बचेगा। भाग देंगे तो 72.8 आएगा। तो इतना परसेंट जो है घन के आयतन में वृद्धि होगी। ऐसे भी क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, इसका आंसर है 400%। आप लगा लीजिएगा, यदि नहीं आया रहेगा तो आप कमेंट करिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।